Writer and director ji, Manoj Sharma ji, please requesting you. Producers from Rock Mountain, Neelkan Regmi ji, please. Vanshmani Sharma ji. Aur Tweet Entertainment se AK Arora ji. Acha wo Arora hai, wo AK Sharma nahi hai, nahi to kitne Sharma ho jate hain. Vatsal Bakshi ji. Can I also request our music and lyricist Praveen Bharadwaj to please join us? Praveen ji ko dekh ke bahut logon ko confusion ho jata hai ki lollipop aa gaye hain. Lekin ab music director hai, lollipop sir wahan par hai. Kam Mithali, kam kam. Haan, theek hai. I think we'll start with I really want to start with Krishna too. Thank you very much for coming. मैं तो चाहता था कि आप promo देखते सबसे पहले, फिर उसके बाद हम खड़े होते तो ज़्यादा मज़ा आता. लेकिन मनोज जी का decision था शायद कि नहीं promo हम बाद में देखेंगे. नहीं, अगर पंचोगी राय तो पहले film का दिखा देते हैं first look. मेरे ख्याल से look दिखाना चाहिए. चलो पहले first look का मज़ा आएगा ना. ठीक है please बैठ here. And thanks to Mehul sir and Anil sir. Thank you so much for coming. Mehul sir और Anil sir के लिए जोरदार तालियां. अब तो promo देखिए फिर बताइए, देखेंगे किसकी लगी है. हाँ अजीत, I would also request our chief guest with us to join. Requesting Mr. Mehul Kumar and Mr. Anil Sharma to please join. AK Arora ji ko main mic dena chahungi, please. Govinda ji ka bhanja usle late ho sakta hai, thoda bahut aadat kharab ho chuki hai. I'm really pleased to see you all here and very happy to say that this film is going to be a big hit because of Shri Regmi sahab. We can proceed with the poster launch now. Thank
के सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अभी तो 15 मार्च के बाद पता चलेगा, जब रिलीज होगी तो फिर सबसे पहले तो सभी की लगती है अगर, लेकिन हमने एक बहुत कोशिश की है कि एक बढ़िया फिल्म बनाएं, एक बोलते हैं आजकल कंटेंट बेस्ड फिल्में चलती हैं, तो इसका कंटेंट बहुत अच्छा है और हमने बहुत बढ़िया कोशिश की है। हर आदमी कोशिश ही करता है कि एक अच्छी फिल्म करें हम लोग, तो मुग्धा और हमने बढ़िया काम किया, बढ़िया काम किया अपने से ही। नहीं बोलना ही पड़ता है, अभी लोग तो कहाँ बोलते हैं आजकल, खुद का ही ढिंढोरा। नो बट ही इज़ डेफिनेटली, हमें सब लोगों को पता है। एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है कि 15 मार्च को ये मूवी रिलीज़ हो रही है। बहुत मेहनत की है एज एवरीबडी इज सेइंग, बट हमारे मनोज जी डायरेक्टर, उन्होंने जब मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई, आई रियली लाइक्ड इट। एक लाइट कॉमेडी जो फैमिली पूरी देख सके, क्योंकि आजकल में थोड़ी अलग तरह की कॉमेडी भी आ रही है, बट दिस इज़ समथिंग लाइट एंड फैमिली ओरिएंटेड। सो आई थिंक इट्स नाइस मूवी, सब लोगों को जाके देखनी चाहिए, दैट्स ऑल आई कैन से। उष्णा जी के साथ का कैसा एक्सपीरियंस हमने देखा, यहां भी ये काफी फन करते हैं हम सेट पे, तो यस सेम एनर्जी ही इज, हम नेबर्स है तो आई नो हिम एंड कश्मीरा वेरी वेल, तो मज़े, वी ऑलवेज हैविंग फन, और सेट पे भी बहुत अच्छा माहौल था। ही लाइक्स टू कीप एवरीथिंग लाइट, सो दैट्स वाई एवरीबडी वॉज हैविंग काइंड ऑफ पिकनिक। नेबर होने का ये अच्छा फायदा है कि एक दूसरे की अच्छाइयाँ खामियाँ सब जानते हैं, इसलिए नहीं, एक्चुअली हमको सेट पे पता चला कि हम नेबर नहीं ऐसी बात नहीं ऐसा नहीं था, हम लोगों को पता था, लेकिन मैं मुग्धा से मेरी वैसे मुलाकात नहीं थी। हमारे में एक ही चीज़ कॉमन है कि हम दोनों ने रोहित शेट्टी की फिल्म की हुई है। इन्होंने ऑल द बेस्ट किए, मैंने बोल बच्चन की, तो एक ही चीज़ हमारी कॉमन थी। तो मुझे मैंने मुग्धा को पहले भी आई हैव सीन हर वर्क, तो मुझे बड़ा एक्साइटेड था मैं कि जब इन्होंने हीरोइन की कास्टिंग के लिए कह रहे थे कि वी आर कास्टिंग मुग्धा, तो मैं बड़ा खुश था, चलो शी इज़ वर्कड एंड आई हैव सीन हर वर्क, तो बड़ा मज़ा आएगा साथ में। जैसे सेट पे ही फिर हम एक्चुअली मिले, उसके बाद फिर हम लोग नीचे नॉर्मली जिम में मिल जाते हैं, वॉक करते मिल जाते हैं, तो ऐसी हाय हेलो हमारी होती रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनको मेरे बारे में एग्जैक्टली पता है कि मैं कैसा हूं। मुझे पता था। हाँ, बहुत शरारती है, कॉमेडी अच्छी करते हैं, और इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा, ऐसा मैंने बहुत सुना था, वो जो बहुत आया मज़ा, सो इट वॉज ऑल गुड ऑफ कोर्स। ओके, सवाल अभी भी ये है कि इस फिल्म में किसने कितनी छुहारे खाए हैं? एक्चुअली अभी चक्कर पता क्या है कि जैसे इंटरव्यू आप हमारा ले रहे हैं, लोग सोच रहे होंगे कि फिल्म के हीरो हीरोइन हम लोग हैं, है ना? नहीं, मैं तो हूँ ही, लेकिन चक्कर यह है कि फिल्म में कंफ्यूजन वो है कि इनके हस्बैंड हैं बिजेंद्र कालरा जी, और मैं मीडिया पर्सन प्ले कर रहा हूँ बिल्कुल आपकी तरह। मेरा एक पेपर चलता है जिसका नाम है झुंझुना, नहीं मैं एक रफ बता रहा हूँ कि झुंझुंझुना पेपर है मेरा, और उसमें एक सेक्स कॉलम आता है जो बिजेंद्र जी लिखते हैं, शर्मा जी मतलब, तो उस वजह से जितने पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो हमसे टच में हैं कि उनको शर्मा जी की ज़रूरत लगती रहती है, और शर्मा जी और मुग्धा हस्बैंड वाइफ हैं, और फिर बाद में कन्फ्यूजन होता है जब उनको ऐसा लगता है कि मेरा इनका चक्कर चल रहा है, और फिर क्या क्या होता है, मतलब जो शर्मा जी की लग गई वैसे लग जाती, जो शर्मा जी सबकी लाइफ अच्छी करने में लगे हैं और वो खुद तकलीफ में, बिकॉज ही हैज़ अ यंग वाइफ एंड गुड लुकिंग वाइफ, तो बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, वो तो है, गुड लुकिंग तो है ही। बिल्कुल। बहुत लंबे टाइम से हम इनको देखते आ रहे हैं। तो ये बताइए कि कितने लोगों की लगाने वाले हैं आप इस फिल्म के? वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे पता नहीं, आप मूवी देखिए और आप बताइए हमें कि कैसे लगी आपको इतना कैसे। हाँ बिल्कुल, 15 मार्च को रिलीज़ हो रही है, एक हमने एक छोटी अपनी हिसाब से, जैसे छोटी बड़ी तो कोई फिल्म होती नहीं है, लेकिन हमने एक डिसेंट कोशिश की अपनी तरफ से कि हम एक एंटरटेनमेंट जो है प्रोवाइड करें, जैसे कि हम अपने शोज़ में करते हैं टेलीविज़न पर, तो बस वैसी कोशिश है, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। पॉलिटिकल कनेक्शन है आपके इस फिल्म में, आपसे भी जानना चाहेंगे, इलेक्शन भी आ रहा है तो नहीं नहीं ये सब हम नहीं करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें या किसी तरीके से, और कोई गंदी बातें नहीं है इस फिल्म के अंदर। हाँ डबल मीनिंग कुछ आता है, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, हाँ हाँ, पर हम देखेंगे किसी पार्टी की तरफ से प्रचार कर तो हां भी नहीं, हम आजकल बिजी बहुत, चक्कर क्या हो गया कि अभी कपिल का शो चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, नंबर वन जा रहा है, तो हम लोग जरा उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फिर जो पार्टी बेस्ट होगी तो आ ही जाएगी।
वोट करने जरूर जाना, वोट करने में जरूर वो हम जाएंगे, आप लोग भी जाना। चलिए 15 मार्च को आ रही है, यस 15 मार्च शर्मा जी की लग गई, देखिए और फन देखना है तो सैटरडे संडे जो है सोनी टीवी पे 9:30 बजे कपिल शर्मा शो आता है, वो देखिए, उसमें भी आप हमें देख के बड़ा एंजॉय करेंगे, मौका नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। इस फिल्म को भी प्रमोट करेंगे आप लोग कपिल शर्मा? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी वही डेट ढूंढ रहा हूँ, कोई एक आध डेट हो तो मुग्धा और मैं और कालरा जी जाएंगे, हम आ जाएंगे सेट पे, करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, अभी तो मैं शो पे तो आना ही है। जैसे कि अभी मेरा हमने उसकी प्रमोशन कर दी थी एल्बम की, सनी आई थी, कपिल को मैंने कहा था कि सनी को बुलाओ आप, तो उन्होंने बुलाया, तो अच्छी बात है। यही मकसद है कि बहुत सारे लोग लोगों तक ये फिल्म पहुंचे और देखे, और हम लोगों को यही चाहिए। 15 मार्च 2019 हेलो, अच्छा मुझे लगा 18 बोला हूँ, सॉरी सुनाई दे रहा है। अभी एक आध महीने बाद फिल्म रिलीज है, जरूर देखिए जाके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you.